जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी पे आज हम बनाने वाले हैं मेवा पाक। उसके लिए मैंने ये सब ड्राई फ्रूट इकट्ठे कर लिए हैं। कृष्णा को ड्राई फ्रूट्स का ही भोग लगता है, अनाज का भोग हम नहीं लगाते इस दिन। एक कप मैंने ये मखाने लिए हैं, इनको मैंने काट के देख लिया है, बिल्कुल साफ हैं। 100 ग्राम नारियल का बुरादा है, 2 टेबल स्पून बादाम, 2 टेबल स्पून काजू है, ये भी टुकड़े करके मैंने देख लिया, इनको साफ है। 1.5 से 2 टेबलस्पून के आसपास ये खरबूजे के बीज हैं और 25 ग्राम गूंद है। तो पहले सबसे पहले हम इनको थोड़ा थोड़ा भूनेंगे। गैस पे हमने ये पैन रख लिया है, कढ़ाई रख लिया है, और इसमें हम सबसे पहले देसी घी डालेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले गूंद को तलेंगे। हम जरूरत के हिसाब से घी ले लेंगे। घी गर्म हो गया है, थोड़ा सा एक दो दाने डाल के चेक कर लेंगे। ये घी हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम थोड़े थोड़े गूंद के ये डाल के अपना गूंद कर लेंगे। गैस को हमें तेज ही रखना है, गूंद को हमें तेज गैस पे ही फुलाना होता है, नहीं तो इसके अंदर कच्चा रह जाता है। ऐसे हम इसको गूंद को सारा गूंद अपना थोड़ा थोड़ा डाल के तल लेंगे। जब इसमें से चट चट की आवाज़ आनी बंद हो जाए तो समझ लो कि ये हमारा गूंद भून गया। ये हमने छोटे छोटे टुकड़े में कर रखा है गूंद को। ये गूंद को निकालते हुए हम एक बार गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, और इसी तरह से हम अपना दाल डाल के सारा गूंद तल लेंगे। ये गूंद हमने तल लिया है, और अब हम उसी कढ़ाई में फालतू का घी निकाल देंगे और थोड़ा सा घी छोड़ेंगे। सबसे पहले हम अपने ये थोड़े से बादाम रोस्ट कर लेंगे। ये बस हल्के से हमने बादाम रोस्ट कर लिए हैं 1 मिनट तक, बस 1 मिनट से ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। इनको निकाल लेंगे, तो इसी कढ़ाई में हम अपने काजू डाल देंगे। काजू के हमने पहले ही छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, क्योंकि हमें ये टुकड़े तो करने ही हैं, अगर मिक्सी में हम चलाएंगे तो इनका चूरा हो जाएगा। बस काजू भी हम 1 ही मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और निकाल लेंगे। खरबूजे के बीज भी हल्के से रोस्ट करेंगे। खरबूजे के बीज अगर ज़्यादा हो जाएं तो फिर ये उछलने लगते हैं, बस ये चटर चटर बोलने लग गए हैं। ये भी हो गए हैं, इन्हें हम निकाल देंगे। थोड़े से हम मखानों को भी हल्के से ड्राई रोस्ट कर देंगे। बस हमारा घी तो इसमें ख़त्म हो गया है, मखाने तो हमारे बिना घी के भी हल्के से रोस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल हमने स्लो गैस पे सेका है, तो हमें 1 मिनट के आसपास लगा, और ये हमारे बिल्कुल अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए। अब बस हमें ये थोड़ा सा गोला भूनना है। गोले में भी हमें घी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अपना ही तेल बहुत होता है। स्लो गैस पे 1/2 मिनट ही लगा, ये गोला भी हमारा बिल्कुल क्रिस्पी सा हो गया है। बस अब गैस बंद कर देंगे और हम ये सब कुछ निकाल लेंगे। हमारी सारी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं, गैस हमने बंद कर दी। इन काजू बादाम को हमने स्कटर पे थोड़ा बारीक कर लिया, मिक्सी में तो बिल्कुल ही चूरा हो जाता है। तो अब ये जब हम इसकी बर्फी बनाएंगे, गोंद पाक और ये मेवा पाक, तो ये दाने थोड़े क्रिस्पी से लगेंगे हमें। अब हम इनको इस गोंद वाले बाउल में ही इनको भी हम निकाल देंगे। मखानों को हम मिक्सी के जार में डाल के और पुश बटन से इनको थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। ये मखाने हमारे बस हमें ऐसे ही बारीक करने हैं, बस हमने पुश बटन से चला के इनको कर लिया है। नारियल का बुरादा भी हम इसी में डाल देंगे, और अब हम गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे और उसमें हम अपनी चाशनी बनाएंगे। इसमें हम 1/2 कप के आसपास पानी डालेंगे, और ये हमारी 1 कप चीनी है। लगभग वेट में ये 150 से 200 ग्राम के आसपास है। बस हमें 1 तार की चाशनी बनानी है, हमें इतना ही पानी डालना है कि हमारी चीनी घुल जाए और 1 तार की चाशनी बन जाए। बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारी चाशनी बनने में देर लगेगी, और कम पानी डालेंगे अगर हम तो चीनी नहीं घुलेगी। तो हमें ये चीनी घोलनी है, बस ये हमारी चीनी घुल गई है, और चाशनी भी हमारी बनने ही वाली है। चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी बन गई है और ये 1 तार देने लगी है। गैस को बंद कर देंगे और इस चाशनी को हम अपनी नीचे उतार लेंगे, और अपना जो
हमने ज़रा सारे ड्राई फ्रूट इकट्ठे कर रखे हैं तल के, वो इसमें डाल के हम मिला लें। इन सब चीज़ों को हम थोड़ी सी देर ऐसे हिलाते रहेंगे तो जो चाशनी है इन सब के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर हम इसको एक थाली में डाल देंगे। ये हमने पहले से ग्रीस करके रखी हुई है थाली, अब हम इसको इस थाली में डाल के अच्छे से इसको जमा देंगे। वैसे तो ये बर्फ़ी सारी ही ड्राई फ्रूट से बनी हुई है, लेकिन अच्छा लगने के लिए और हम इसके ऊपर थोड़े से ये कटे हुए थोड़े से साबुत बादाम और काजू डाल देंगे और इसको थोड़ा सा थपथपा देंगे। इस तरह से हम इसको सारे को, इस पर हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है और ऐसे बर्फ़ी को अच्छे से थपथपा देंगे। एक बार इसको ऐसे भी कर देंगे तो ये नीचे तक हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। थोड़े से पिस्ता और चिरौंजी भी इसी के ऊपर हम और डाल देंगे। पहले हमने बादाम और काजू ऊपर जमा दिए, उसके बाद हमने अभी और थोड़ी सी पिस्ता और चिरौंजी डाल के हमने इसके ऊपर ऐसे इसको, टेस्ट भी बढ़ जाएगा इसका। बर्फी को जमाए हुए हमें 1.5 घंटा हो गया है और ये हमारी बर्फी जम गई है, ज़्यादा सख्त भी नहीं है। और इस पर हमने पहले शुरू में ही थोड़े थोड़े निशान लगा दिए थे ताकि हमें काटने में आसानी रही। ये ऐसे हमने ये बड़े आराम से कट रही है हमारी ये बर्फी, बड़े आराम से हमारा चक्कू चल रहा है। अपनी मनपसंद के छोटे बड़े जैसा साइज हम करना चाहें हम इसके वैसे पीसेस कर लेंगे। इसको निकालने के लिए हम इसके चारों तरफ ऐसे चाकू को घुमा देंगे। चाकू की मदद से हम ये पहले साइड वाली बर्फी निकाल लेंगे। ये देखिए ये बड़े आराम से हमारी बर्फी निकल गई है, ये देखिए बड़े आराम से हमारी ये बर्फियाँ निकल रही हैं। उतारते जाएंगे और अपनी प्लेट में हम इनको रखते जाएंगे। ये हमारे ये देखिए ये बिल्कुल आराम से टूट रही है, ये देखिए कितनी नरम बनी है हमारी बर्फी बिल्कुल। ये हमने अपनी सारी बर्फियाँ बना ली हैं। तो ये मेवा पाक आपको कैसा लगा? ये देखिए देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है और टेस्ट में भी बड़ा अच्छा है, इसका मीठा भी इसमें ठीक हुआ है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये मेवा वाली बर्फी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।